उधर बेडों की बेड की भी कमी नहीं है। कहीं भी बेड नहीं है, कहीं भी बेड नहीं है। हम कह रहे बेड लिया तो बाहर में जाए, बेड कम से कम जमीन में लगा के, बिस्तर लगा के पेशेंट को ट्रीटमेंट तो दीजिए यार। और जिसकी ऑक्सीजन लेवल 30 है वो फाइनल समझ लो, वो जिंदा नहीं बचेगा, ऐसे बात करते हैं। मैं जहाँ देख सकता हूँ मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। चीज गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है इस तरह का फर्जीवाड़ा। भारत में कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। किसी जगह ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं मरीजों को बेड नहीं मिल रहे, कहीं वैक्सीन की कमी है तो किसी जगह डॉक्टर ही नहीं है। इन सभी वजहों से लोग परेशान हैं और कई लोगों की मौत भी हो रही है। लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। मैं ले गया था तो दिल्ली हॉस्पिटल में भी तो मना कर दिया, बोले मेरे पास ऑक्सीजन का सुविधा नहीं, अपने फैमिली को ले जाए। यही बोलते हैं सर, यहाँ भी यहाँ आपने बात की डॉक्टर से, बात की आपने यहाँ पे? यहाँ पे अभी लेके आया, कोई सुनता नहीं है। यहाँ पे आया सर अभी, मेरे को कोई बोलता उस गेट पे जाओ, उस गेट पे, मेरे को कोई बता ही नहीं रहा था। मेरे डॉक्टर ने कहा कि ऊपर आ जाओ, साइन कर दो, साइन कर दूंगा, कल को कहेंगे मरगी ले जाओ। सब ऐसे ही जा रहे हैं यहाँ से, ठीक होकर कोई नहीं जा रहा। दो दिन लगते, तीसरे दिन कहते हैं साइन कर दो और फिर कहेंगे कि डेड बॉडी मर गई। कहीं भी बेड नहीं है, कहीं भी बेड नहीं है। हम कह रहे बेड नहीं है, अरे बाहर में जाए, बेड कम से कम जमीन में लगा के, बिस्तर लगा के पेशेंट को ट्रीटमेंट तो दीजिए। यहाँ एक केस नहीं है, बहुत सारे केस ऐसे, लोग रोड पे घूम रहे हैं, ले लेके अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े लोगों को, दो चार लोग यहाँ से गए वापस। कई जगह पर इतना बुरा हाल है कि अब शमशान घाट में भी शव जलाने के लिए जगह नहीं बची है, शव को सड़कों पर जलाया जा रहा है। ऐसी ढेरों वीडियोस हैं जो इंटरनेट पे मौजूद हैं। ये सब इंतजाम करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जिसमें वह बिल्कुल नाकाम रही। पहले बेरोजगारी के आंकड़े छुपाए जा रहे थे, फिर टेस्ट के सही आंकड़े नहीं आने दिए, और अब कितनी मौतें हो रही हैं इसके सही आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी अपनी वीडियो में आंकड़े छुपाने को लेकर बात की और कुछ अधिक जानकारी भी दी। दूसरी तरफ COVID-19 से हुई डेथ्स का जो ऑफिशियल नंबर रिपोर्ट किया जा रहा है और जो डेटा क्रेमेटोरियम से आ रहा है COVID-19 विक्टिम्स की डेड बॉडीज का, उनमें भी कहीं पर 5 गुना, कहीं 10 गुना, तो कहीं 20 गुना का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, अहमदाबाद में 12 अप्रैल को सिर्फ 20 कोविड डेथ्स ऑफिशियली रिपोर्ट करी गई, लेकिन एक लोकल अखबार है संदेश, उसने बताया कि सिर्फ एक अस्पताल में अहमदाबाद के 63 से ज्यादा डेथ्स देखने को मिली थी सेम दिन। भोपाल में सेम चीज देखी गई और भी बड़े स्केल पर। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जहां पर पिछले 12 दिनों का ऑफिशियल डेथ काउंट सिर्फ 34 था, रियलिटी में जो क्रेमेटोरियम्स और ग्रेवयार्ड से आ रहा डेटा था वो 800 से ज्यादा COVID-19 की डेथ्स बताता है सेम पीरियड में। फाइनेंशियल टाइम्स ने यही क्रेमेशन के डेटा को और ऑफिशियल डेथ काउंट के डेटा को कंपाइल किया अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग शहरों के लिए, और ये पाया कि ये चीज गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है इस तरह का फर्जीवाड़ा, और बिहार में भी ये देखने को मिला है कुछ हद तक। हमारे देश के गृह मंत्री से आज तक के पत्रकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड्स की कमी और वैक्सीन की कमी पर सवाल किए, तब उन्होंने कोई कमी नहीं ऐसा कहकर सवालों को टाल दिया। देखिए, ऑक्सीजन की किल्लत का अगर किसी ने पॉलिटिकल रोना धोना है तो मैं इसको रोक नहीं सकता, परंतु मेरे पास सटीक आंकड़े हैं। डिमांड सप्लाई का गैप बहुत नैरो हुआ है मगर कमी नहीं, और वैक्सीनेशन, दोनों वैक्सीन जरूरी मात्रा में उपलब्ध कराए गए। दुनिया में सबसे तेज वैक्सीनेशन अगर कहीं पर हुआ है तो भारत में हुआ है। वायरस तेजी से फैल रहा है, पहले वायरस इतनी तेजी से नहीं फैल रहा था, इसी के कारण ऐसी भ्रांति हुई, मगर बेडों की बेड की भी कमी नहीं है। जब देश में कोरोना के केस बढ़ने शुरू हुए तब बंगाल में चुनावों की तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ कुंभ मेला भी शुरू हो गया था। इन दोनों ही जगहों में भीड़ देखने को मिली जो कोविड के समय काफी खतरनाक साबित हो सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए शुरू से प्रचार किया जा रहा है लेकिन इसको बिल्कुल अनदेखा किया गया है। आज
चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है, मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। इस महामारी में वैक्सीन काफी कारगर साबित हो सकती है, पर अगर क्विंट की रिपोर्ट की बात माने तो भारत की दो बड़ी कंपनियां सेरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को गवर्नमेंट की ओर से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोई आर्थिक सपोर्ट नहीं मिला। वहीं अगर बाकी देशों की बात करें तो यूएसए गवर्नमेंट ने अगस्त 2020 में अपनी वैक्सीन कंपनीज में 44,700 करोड़ का निवेश किया। हमारी सरकार ने वैक्सीन कंपनीज में काफ़ी लेट निवेश किया, वह भी 4,500 करोड़, और वो भी 19 अप्रैल 2021 को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। इसके अलावा एक बात और भी है कि हमारे देश में हमें हर महीने 150 से 200 मिलियन वैक्सीन की ज़रूरत है, पर हमारी वैक्सीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी 70 से 100 मिलियन की है। ऐसे में क्या भारत ने विदेशी कंपनियों को पहले वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए थे? अगर ऑर्डर दिए भी थे तो वो भी तब जब बहुत लेट हो गया था, उन कंपनियों के पास ऑर्डर पहले से ही एक्सेस हो चुके थे। इसके अलावा सरकार ने दावा किया था कि वे 160 ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट्स लगाएगी पूरे भारत में 150 हॉस्पिटलों में, पर असल में कितने लगाए? सिर्फ 33। इस सब के कारण देश में लोगों को शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है और लोग परेशान हैं। एक डॉक्टर आके बोलता है कि जिसकी ऑक्सीजन लेवल 70 है वो मेरे पास ना आए, और जिसकी ऑक्सीजन लेवल 30 है वो फाइनल समझ लो, वो जिंदा नहीं बचेगा, ऐसे बात करते हैं। 20 है तो मेरे पास मत आओ, इसका क्या मतलब है? मतलब कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो हाथ खड़े कर देते हैं, ये मतलब हुआ उसका। डॉक्टर ने एक ही पहले एक पाइप से 3 लोग का था, फिर उन्होंने 6 लोग का करा, तो ऐसे एक पाइप से 3 लोग को ऑक्सीजन मिल रहा है, फिर बाद में उसे 6 कर दिया कि सबका थोड़ा सा काम चलता रहा। उसके बाद उसमें से जब फ्रेश रिकवरी हुई, उसके बाद जब बेड खाली हुई तब उनको फिर आईसीयू में भेजा। मेरे सामने कम से कम 7-8 मौतें तो बिना ऑक्सीजन के हुई हैं। देश के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन लग गया है और कुछ में ही लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि राज्य लॉकडाउन को आखिरी विकल्प समझे। इसका मतलब लॉकडाउन के आगे क्या? मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। ऐसा नहीं कि सरकार अकेले ही इससे मुकाबला कर रही है, लोग अपने लेवल पर भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। देश में कई गुरुद्वारों में ऑक्सीजन के लंगर लगाए जा रहे हैं। एक रिक्शे वाला कोविड पेशेंट को फ्री में अस्पताल लेकर जा रहा है। एक बंदे ने अपनी गाड़ी बेचकर ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर जरूरतमंदों की मदद की। ऐसे और भी लोग हैं जो अपने लेवल पर मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार राजनीति से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचना शुरू करे और बिगड़ते हालातों को सरकार संभाले और कोरोना महामारी को ज्यादा फैलने से रोकने का प्रयास करे। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।